तो दोस्तों, अगर आप लोग रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 एस यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो कवर मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मैं रिव्यू भी आप लोगों को देने वाला हूँ कि इसकी क्वालिटी किस तरह से आप लोग देखने को मिलती है, कहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, क्या ये हमारे रेडमी नोट 7 प्रो की कैमरा बम को प्रोटेक्ट कर सकता है, सारी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे दबा के आप लोग काला कर दिएगा। उसके बगल में आप लोगों को एक काला बटन दिखेगा, उसे दबा के आप लोग नीला कर दिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, जो Xiaomi की डिवाइस, जो Redmi की डिवाइस यूज़ करते हैं और जो बेसिकली Redmi Note 7 सीरीज की डिवाइस को यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए OnlyTalk चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा के पाइए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो उससे पहले गाइस, मैंने आप लोगों को ये 360 वाली मैग्नेटिक केस वाली कवर की रिव्यू दी थी। ये वाली वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये भी कवर काफ़ी कमाल की कवर देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, मैग्नेटिक केस देखने को मिल जाती है, जिसे हम लोग यहाँ ओपन करने के लिए इस तो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोगों को कवर देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक 360 केस वाली कवर। और हम लोग इसे यहाँ से इसे बाहर निकालते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ये वाली वीडियो की रिव्यू नहीं देखी है, इस वाले कवर की रिव्यू नहीं देखी है, तो आप लोग देख लेना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी दोस्तों देखने को मिल जाती है, ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है, अच्छी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जो हमारे फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं जो हम लोगों के फ़ोन में जो आउट ऑफ द बॉक्स जो TPU केस देखने को मिलती है, उसकी क्वालिटी तो दिन ब दिन खराब देखने को मिल जाती है। इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग वाली कवर को जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है, वो कवर को अपने फ़ोन में यूज़ करें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ये वाली केस की, तो देख सकते हैं हम लोग, मैंने इसे अमेजन से मंगवाया था, लिंक आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसकी काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो मैं कवर्स की गिव अवे भी करूँगा इन फ्यूचर। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अब दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी किस तरह से देखने को मिलती है। तो देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, ऐसी पैकेजिंग दोस्तों आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलती है। और जब हम लोग इसे इस कवर से बाहर निकालेंगे दोस्तों, देख सकते हैं इसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और ये रेडियंट कलर में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं या फिर नेपच्यून ब्लू कलर यूज़ करते हैं या फिर नेवला रेड कलर को यूज़ करते हैं दोस्तों, ये सभी कलर में हम लोग को अच्छी तरह से फिट हो जाएगी और इसकी क्वालिटी को ये इन्हेंस कर देगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से कवर देखने को मिल जाती है, काफ़ी हार्ड कवर है और ये हमारे फ़ोन को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करेगी। अब दोस्तों, हम लोग अपने फ़ोन को इसे यहाँ से इसमें इंसर्ट करते हैं और दिखाते हैं इसे कि कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से तो दोस्तों, फिट होने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है। और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो कैमरा बम जो देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। और किसी कवर में दोस्तों आप लोगों को इस तरह से परफेक्ट Redmi Note 7 Pro के लिए कैमरा बम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कैमरा बम Redmi Note 7 Pro की डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन कैमरा की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7 ऐसे, तो उसमें हम लोग कैमरा बम ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन Note 7 Pro में कैमरा बम इसमें अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो फिंगरप्रिंट की, तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर इन हैंड फील की बात करें तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस वाले कवर की दोस्तों बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है, लेकिन अगर इस कवर की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी परफेक्ट हम लोग की इसमें ग्रिप देखने को मिल जाती है। कोई भी आप लोगों को हैवी वेट फील नहीं होगी। और अगर बटन्स की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो काफ़ी परफेक्ट बटन्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सभी टेक्टाइल बटन देखने को मिल जाती है, किसी भी बटन को अगर आप लोग टैप करते हैं तो हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाती है। बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग वाली, परफेक्ट फिटिंग वाली आप लोगों को ये कवर देखने को मिल जाती है। और इसकी क्वालिटी दोस्तों बात कर लेते हैं, साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्सचर फिनिश देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों के हाथों में काफ़ी अच्छी ग्रिप देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कटआउट्स की, तो देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट कटआउट्स आप लोग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग को चार्जर की USB टाइप सी वाली कटआउट देखने को मिल जाती है, एक तरफ आप लोगों को स्पीकर ग्रिल और एक तरफ मेन माइक्रोफोन देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आप लोग यहाँ से चार्ज कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी परफेक्ट कटआउट देखने को मिल जाती है, चार्जिंग में कोई भी आप लोग यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और अगर आप लोग कोई ग्लास प्रोटेक्शन अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, अपने स्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ भी हम लोगों को काफ़ी अच्छी कटआउट देखने को मिल जाती है। तो आपके ग्लास प्रोटेक्शन में, आपके टेम्पर्ड ग्लास में और इस कवर से को लगाने के बाद आपके ग्लास में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी, कहीं से भी आप लोगों को यहाँ पर एयर गैप देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट आपकी डिवाइस के हिसाब से
फिट हो जाती है ये कवर। और ऊपर की तरफ बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम लोग को 3.5 mm वाली जैक देखने को मिल जाती है, उसकी भी कटआउट्स बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाती है। एक तरफ आप लोगों को आयर ब्लास्टर की पॉइंट देखने को मिल जाती है एक तरफ, और एक तरफ आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट सेकेंडरी नॉइस कंसेंसर माइक देखने को मिल जाती है। और बैक साइड की बात करें तो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो कैमरा पंप बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को परफेक्ट देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और कलर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो कलर और कलर ऑप्शन भी इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाती है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना अपने डिवाइस के लिए कौन सी कलर अवेलेबल है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये केस आप लोगों को कैसा देखने में लग रहा है। और दोस्तों इस तरह की और भी रिव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, दोस्तों जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी नए नए इंटरेस्टिंग न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ को मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मेम्बर हैं जहाँ पर हम लोगों की बातें होती रहती हैं, तो आप लोग भी इस ग्रुप को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी है वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।